और बुलेटिन में जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बजट के बाद विधायकों और मंत्रियों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी ने इसे जनहितकारी बताया तो वहीं विपक्ष ने बजट में खामियां बताई। हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने सभी से अलग अलग बात की और बजट को लेकर राय जानी है। उत्तर प्रदेश सरकार के 2022-23 का आज बजट पेश हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी और MLC भी हैं। नरेश जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, किस नज़र से देखते हैं बजट? ये बजट थोथा है, इसमें नौजवानों के रोजगार का कोई ठोस प्रबंधन नहीं है, किसानों की जीविकोपार्जन के लिए कोई ठोस प्रबंधन नहीं है, प्रदेश की बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई ठोस प्रबंधन नहीं है और हर तरीके से सारे लोग निराश हैं इस बजट से। रोजगार के लिए बोला है 5 सालों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे इस बजट में। 5 साल जो बीत गए हैं उसमें 4 लाख नौकरियों का जिक्र है उसमें, लेकिन वो मनरेगा के मजदूर हैं, आउटसोर्सिंग के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लोग हैं, ऐसी नौकरियों को गिनाए दे रहे हैं मनरेगा के मजदूर के, हमने जो है 4 लाख नौकरियाँ दी हैं, ये नौकरी हैं क्या? महिलाओं के लिए स्कूटी और उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत भारी भरकम बजट दिया गया। पूरी तरीके से महिलाएं निराश हैं और महिलाओं को उत्तर प्रदेश में जिस तरीके असुरक्षा की भावना से गुजरना पड़ रहा है, पूरे प्रदेश की महिलाओं में असुरक्षा की भावना है और महिलाओं के साथ जितना अन्याय हो रहा है कभी किसी सरकार में नहीं हुआ, जो भाजपा में हो रहा है। वो तो कह रहे हैं 25 करोड़ जनता के हित की जन कल्याणकारी बजट है ये, उन्हें ये कहना चाहिए, अपने मुंह में मिट्ठू बन रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं ओवरऑल बजट को? ओवरऑल बजट एकदम आधारविहीन है, थोथा है और ये केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। तो ये थे नरेश उत्तम पटेल, जिनका कहना है कि जो 2022-23 का उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है केवल आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों से इन्होंने बजट पेश किया है, इसमें न ही बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था है, न ही शिक्षा की कोई व्यवस्था है, स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकारी नौकरी देने का वादा तो करते हैं लेकिन वो केवल मनरेगा सहित तमाम ऐसे डेली बेसिस वाले लोगों के माध्यम से ही आंकड़े गिनाते हैं। बजट ऐतिहासिक है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है जिसमें हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पानी के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक बजट के जो सुधार होगा, जिस तरह से बजट दिया गया है, बैलेंस तरीके से दिया गया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि एक शानदार और ऐतिहासिक बजट उन्होंने पास किया है। देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष समाप्त हो गया, जनता ने नकार दिया बजट, पहले शानदार पहली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसका परिणाम ये हुआ कि चहुंमुखी विकास हुआ और अब तक के सबसे बड़े इस बजट में जो जिस तरह से हर वर्ग के लिए और हर विभाग के लिए जिस तरह बजट दिया गया उससे चहुंमुखी विकास होगा, मैं उनको बधाई देता हूँ इसके लिए। पूरी तरह से केवल और केवल आंकड़ों की जगलिंग है, खोखले वायदे हैं और पूरी बहुत ही निराशाजनक बजट है। उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जितने वायदे किए थे, मैं तो देख रही थी मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि जो उनके घोषणाएं थी करीब 150 के आसपास, उसमें से इन्होंने कोई 97 घोषणाओं को इस बजट में इंक्लूड किया, इनको तो 100% कर देना चाहिए था। क्या ये वायदे पर उन्हीं वायदों पर तो जनता ने इनको चुन करके भेजा था, तो ये तो अपने वायदे को ही नहीं पूरा कर पाए तो उम्मीदों को कैसे पूरा करेंगे। तो ये पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। 4 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही, नौकरी देने की बात कही है सरकार ने इस बजट में, हास्यास्पद है। अगर याद मैं दिलाऊं तो 2017 में जब सरकार बनी थी तो क्या वायदा था, 20 लाख रोजगार पर हर साल, और अंत में 5 साल के अंत में मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा कि हम 4.5 लाख सरकारी नौकरी दे पाए, तो ये तो जो उन्होंने कहा था उसको भी नहीं, उस टारगेट को भी नहीं पूरा कर पाए। दूसरा सबसे बड़ी अगर रोजगार की बात करें, मैं मानती हूँ कि सबसे आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन्वेस्टर समिट हुए, सरकारी नौकरी तो आप दे नहीं पाए, प्राइवेट नौकरी के लिए आपने इन्वेस्टर समिट करे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी तीसरी होने जा रही है, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके ये किसकी गाड़ी कमाई का पैसा आपने रेड कारपेट में इस्तेमाल किया, सरकार ये जनता की, उत्तर प्रदेश की जनता की टैक्स का पैसा है, आउटपुट क्या है इसका, श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी करती है सरकार की, कितने इंडस्ट्री लग गई, कितने नौजवानों को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिला,
बताए सरकार, लाए श्वेत पत्र सदन में, मैंने तो मांग की है इस बात की, पर इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है जो सरकार के पास कहीं दिखाई नहीं देती। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के दो MLC, एक पवन चौहान जी और रामचंद्र प्रधान जी। तो पहले पवन जी से जानेंगे कि जिस तरह से बजट आज पेश हुआ है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह बजट केवल छलावा है, क्या कहना है पवन जी आपका? मुझको लगता है अभी तक जितने बजट पेश हुए सबसे शानदार तरीके से बजट पेश किया गया है और सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, शिक्षा को लेकर के हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, किसान को लेकर के हो, वृद्धा पेंशन को लेकर के हो, ओवरऑल डेवलपमेंट जो दिखाया गया है, छात्रों को लेकर के हो, सभी का डेवलपमेंट दिखाया गया है और एक बड़ा बजट बड़े दिल के। विपक्ष आरोप लगा रहा है केवल और केवल आंकड़ों का खेल है और छलावा है। हम उसको लगता है जब आंकड़े पेश होंगे तभी बजट पेश किया जाता है और बजट इसीलिए पेश किया जाता है तो आंकड़े होते तभी वही बजट हमारा है, तो आंकड़ों का छलावा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि सब तो आजकल ऑनलाइन है। ऑनलाइन होने की वजह से हम लोग किसी भी तरह से आंकड़ों से नहीं खेल सकते हैं क्योंकि वो तो सब ऑनलाइन है। नहीं, इस बार आप लोगों ने बजट भी जो है पेपरलेस किया है, तो उसमें विपक्ष कैसे आरोप लगा रहे हैं? नहीं, पेपरलेस तो किया गया लेकिन ऑलरेडी जब पढ़ा गया बजट, विपक्ष के आरोप पर क्या कहेंगे? विपक्ष का तो काम ही आरोप लगाना, जो भी हम अच्छा बताएंगे उसको बुरा बता देंगे, तो ये इसी तरीके की इसी की वजह से तो आज भी यहाँ से पहुँच गए हैं। विपक्ष का ये सकारात्मक भाव से अगर वो किसी भी चीज़ का विरोध करे या किसी भी चीज़ का समर्थन करे तो मुझको लगता है विपक्ष को भी हमारा देश की जनता सुनेगी, लेकिन उनका सिर्फ काम विरोध करना है, इसलिए देश की जनता उनको सिरे से निकाल रही है। रामचंद्र प्रधान जी हैं, प्रधान जी बजट पे क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बजट है, अब तक का सबसे अच्छा बजट है और इस बजट में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है उसकी झलक है, क्योंकि इसमें सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो छात्रों का हो, मजदूरों तक का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे पिछड़ों का हो, चाहे दलितों का हो, सबका, सर्व समाज का सर्व समावेशी बजट है। आप कह रहे हैं सर्व समाज की समावेशी बजट है, लेकिन सभी पार्टियां, बसपा हो, मायावती बसपा सुप्रीमो, अखिलेश यादव सपा से और मोना कांग्रेस से, ने आरोप लगाया है कि केवल और केवल छलावा है। विपक्ष सिर्फ निगेटिव बात करता है, नकारात्मक की बात करते हैं, उनको भी अगर वो अंदर से उनसे पूछा जाए ना, तो जब उनकी भी सरकारें रही हैं तो उनको अंदर से लगता होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, लेकिन वो चूंकि दिखावे के लिए मीडिया के सामने अपनी बात को रखने के लिए ऐसी बात करते हैं। कल आप उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, 6,15,916 करोड़ का बजट है। मैं कहता रहा हूँ कि सबसे अच्छा बजट है, बहुत प्रभावशाली बजट है, लोगों के हितों का बजट है, जनता का बजट है। इसमें जो विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष के लोग तो अनाप गनाप बात करते रहते हैं, कल आपने देखा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का जिस तरह का रवैया रहा, उससे कितना ख़राब रवैया रहा, उससे क्या समाज में वो क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, तो इस तरह से वो बजट में भी इसी तरह की बात करते हैं, लेकिन उनको भी अंदर से वो सच्चाई तो यह है कि अगर उनके दिल से कोई पूछे तो दिल से उनके भी उनको लगेगा कि हाँ, हमारा जो बजट होता था उससे कई गुना बेहतर बजट है। 2015 में करीब 3,00,000 करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार 6,00,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट है। के जनहित में तमाम ऐसे काम होते हैं, मैंने कहा ना, जो तमाम ऐसे काम होते हैं जो हमारी सरकार करना चाहती थी लेकिन पिछले दौरान नहीं कर सकी क्योंकि विधान परिषद में इसी तरह से लोग रोक दिए जाते थे तमाम, आज ये स्थिति नहीं है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की सरकार है ये, और योगी जी सर्व, हमने पहले ही आपसे कहा, ये समावेशी बजट है और सबका हक, सबका ध्यान रखा गया है, इसलिए खर्च तो बढ़ेगा, इसलिए बजट बड़ा किया है और बड़ा दिल लेकर के हमारे योगी जी ने इसको बजट को बनाया। ये थे पवन चौहान और रामचंद्र प्रधान, दोनों भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, जिनका कहना है कि बड़े दिल वाले हैं हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, वो बड़ा बजट लेके आए हैं, उत्तर प्रदेश के सभी 25 करोड़ लोगों के
उनका कल्याण देखते हुए, वो चाहे बेरोजगार हों, चाहे अशिक्षा प्राप्त करने वाले हों, उनको शिक्षित करने के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए सर्वसमावेशी बजट है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो अपने खोए हुए जनाधार को बचाने के लिए केवल और केवल आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का 2022-23 का बजट आया है, विपक्ष आरोप लगा रहा है केवल यह आंकड़ेबाजी हो रही है, जनता के साथ खेल हो रहा है। और मंत्री जी क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में? मंत्री जी, आज बजट आया है, विपक्ष कह रहा है कि केवल आंकड़ों का खेल है, जनता के साथ धोखा। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष सही बातों से भाग रहा है, उसको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये बजट जो है उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, उत्तर प्रदेश के जनजीवन को बदलने वाला बजट है। समाज के हर वर्ग के लोग, गरीब, कमजोर, विशेष करके आपके अनुसूचित, महिला, किसान और नौजवानों के लिए ये बजट विशेष रूप से है, जिसमें अभी जो बेरोजगारी 18% है उसको इस बजट के माध्यम से 2.9 तक ले जाया गया है। ये बहुत ही नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट है, समाज के हर वर्गों को इसमें व्यवस्था किया गया है, उनके जनजीवन को बदलने के लिए व्यवस्था किया गया है, और ये उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बजट है। विपक्ष पे क्या कहेंगे जो लगातार आरोप लगा रहे हैं केवल जनता के साथ धोखा हुआ है इसमें? देखिए, विपक्ष सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहा। 2014 में माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री थे और उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 17 में उन्होंने कहा कि हम जो है फिर सत्ता में अपने काम के बल पर आएंगे, और मोदी जी के नेतृत्व में फिर से हम लोग पूर्ण बहुमत की और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। उन्होंने 2019 में बेमेल गठबंधन किया, पूरे पश्चिम का गठबंधन किया, मायावती जी और अखिलेश जी एक हो गए, जो कभी संभव नहीं था, उसके बावजूद भी वो लोग बुरी तरह से पराजित हुए। 2022 में वो 400 सीटें प्राप्त कर रहे थे, बुरी तरह से हारे, और फिर से अपने काम के बल पर जोगी जी 37 वर्षों के बाद फिर कोई सरकार जो सत्ता में आई तो जोगी जी की सरकार आई। तो सच को स्वीकार करना चाहिए, ये बजट आम आदमी के लिए है, गरीब के लिए है, और समाज के हर वर्ग की इस पर चिंता की गई। तो ये थे मंत्री दया शंकर सिंह, जिनका कहना है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, आरोप लगाकर ही वो अपना जनाधार खोए हैं। और भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 और 2022 में सत्ता में आई है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद जी हैं। आज़ाद जी, आज 2022-23 का बजट आया है, क्या कहना आपका? निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक बजट है, और हमारे उत्तर प्रदेश को एक नई दशा और दिशा देने का काम यह बजट करेगा। जिस तरीके से बजट में समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख कर यह बजट तैयार किया गया है, निश्चित तौर पर यह प्रशंसा के योग्य है, और ये इस बात को दर्शाता है कि जो हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को जो नारा दिया था, उस नारे को हम चरितार्थ कर रहे हैं और लगातार आम जनमानस के हित के लिए हम काम कर रहे हैं। इस बजट में हमने समाज के सभी वर्ग, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे हमारे युवा वर्ग हो, चाहे समाज के किसान हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सभी समाज को उन्नति देने का काम यह बजट करेगा। विपक्ष आरोप लगा रहा है केवल आंकड़ों का खेल है और जनता के साथ धोखा हो रहा है, हुआ है इस बजट? विपक्ष का काम आरोप लगाना है, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, और हमारे इस बजट से जो जनता का विश्वास है हमारे प्रति, वो और बढ़ेगा और मजबूत होगा। तो विपक्ष का आरोप, अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो, मायावती और कांग्रेस सहित सभी आरोपों को क्या कहेंगे? ये टोटल निराधार आरोप है, और जब भी समाज में तरक्की, प्रगति, उन्नति की बात होती है तो निश्चित तौर पे विपक्ष को अच्छा नहीं लगता है, और हम लगातार तरक्की, उन्नति और प्रगति की बात करते भी हैं, कहते भी हैं और करते भी हैं। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आज़ाद, जिनका साफ साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना नारा दिया, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो नारा को चरितार्थ किया गया है। उत्तर प्रदेश का यह बजट उत्तर प्रदेश को लगातार विकास के गति देने का काम करेगा, और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल निराधार है।
सुभाषपा से विधायक अब्बास अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार का 2022-23 का बजट आया है, उनका क्या कहना है बजट पे? अब्बास जी, आज 2022-23 का बजट आया है, बजट पे क्या कहना है आपका? देखिए, सबसे पहले तो ये बजट बड़ा ही निराशापूर्ण था। उत्तर प्रदेश की जनता को जब सत्ता को बनाया है बम्पर रोड दे करके, तो हर तबके को बड़ी उम्मीदें थी इस बजट से, खास तौर पे नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को और बुनकरों को बहुत उम्मीद थी, बैकवर्ड को, कि इस बार के कथा कथित तौर पर कहे जाने के लिए 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है, सबसे बड़ा अब तक का बजट है, इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। 1952 से बजट पेश हो रहा और हर सत्ता सरकार अपना बजट पेश करती है, 5 बार में 5 बार बजट आता है और हर बजट बुनकरों को भी फ्लैट रेट पे बिजली मिलने का प्रावधान होगा, मगर वो भी नदारत है, इसलिए हम लोग काफ़ी उदास हैं। अभी तो बजट को जब पूरा पढ़ा जाएगा तो बजट के अंदर जो भी कमियां हो उसको ठीक से उजागर किया जाएगा और अगर कहीं कोई अच्छाई होगी तो उसकी भी जमकर तारीफ किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास की तरह उत्तर प्रदेश का समावेशी बजट है। देखिए, किसी ने क्या कहा मैं उसके ऊपर क्यों टीका टिप्पणी करूं, कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है। कहावत बड़े बुजुर्ग कहते थे, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और चबाने के कुछ और, वैसे ही हाल है बजट का। तो इस बजट से उत्तर प्रदेश की जनता में निराशा है, सुभाषपा क्या क्या कहना है? देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने 10 में से 0 अंक दे करके अपने आप में सब कुछ कह दिया है। ये सुभाषपा के विधायक अब्बास अंसारी, जिनका कहना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बजट को 10 अंकों में से 0 अंक दिया है, ये जनता बजट जो है 2022-23 का पूरी तरह से निराशाजनक है, इस बजट में किसी भी वर्ग का ख्याल नहीं रखा गया है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं और आज उत्तर प्रदेश सरकार 2022-23 का बजट पेश हुआ है। सरकार कह रही है जनता 25 करोड़ जनता की हितैषी वाली वाला बजट है। ऐसे में ओम प्रकाश जी से पूछेंगे कि 2022-23 का बजट कैसा है। ओम प्रकाश जी, आज 2022-23 का बजट आया है, उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, कैसे देखते हैं आप? हताशा और निराशा का बजट है। उत्तर प्रदेश का बड़ा बजट जो आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। नहीं तो आपको भी सोचना चाहिए, जब छोटे आप थे तब कुर्ता छोटा पहनते थे आप जब बड़े हो गए हैं तो कुर्ता बड़ा पहन रहे हैं, पैजामा बड़ा हो गया। तो सरकार जो ये ढिढोरा पीट रही है ना, पूछो इनसे कि पूरे बजट में 1 रुपया जातिवार जनगणना के लिए है, नहीं है। महंगाई से पूरा प्रदेश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, पूरे बजट में महंगाई कैसे काबू में पाया जाए, क्या बजट है? 18% आबादी, बिंद निषाद कश्यप माझी मझवार तुरहा तुरैया गुड़िया की है 18%। ये आरक्षण देने के लिए वोट लिया, हिस्सेदारी देने के लिए वोट लिया, भाजपा को वोट दिया और भारी भरकम बजट में इतना बजट दे दिया 18% आबादी पिछड़े को, निषाद बिंद कश्यप को 4 करोड़ रुपया भारी भरकम बजट में 4 करोड़। 2 करोड़ में नाव खरीदेगा तो मछली का आखेट करेगा, 2 करोड़ में मछली का बच्चा खरीदेगा, पोखरी पोखरा साफ कराएगा, उसमें जिलाएगा, नाव से दौड़ाएगा। इसके लिए उसको मिला कितना? 18% आबादी वाले को 4 करोड़। ये भारी भरकम बजट है, और क्या बता दें आपको? उन्होंने कहा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नारा है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ, और उसी तरह ये 25 करोड़ जनता को एक साथ एक तराजू में रखकर ये बजट पेश किया गया है। एक तराजू में रखे हैं क्या? पत्रकार आयोग का गठन उस पूरे बजट में है? ये फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का उस बजट में है? कहाँ रखे हैं तराजू में एक समान? एक समान रखते
तो पत्रकार आयोग का गठन करते, दुर्घटना बीमा फोटोग्राफर का उसमें ऐड करते, है कहीं? तब कैसे सबका साथ सबका विकास की भाषा आप भाजपा की बोल रहे हैं? हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है, कैसे देखते हैं बजट को? आज का बजट जो भाजपा ने अपने संकल्प में घोषणा किया था उस ओर बढ़ना शुरू कर गए। सरकार का जनोपयोगी बजट है, हर वर्ग के लिए बजट है, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बनाने से लेकर के हम अपने नए टेक्नोलॉजी से युक्त पूरा प्रदेश का विकास करने जा रहे हैं, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, रोज़गार हो, स्किल डेवलपमेंट हो और एयरपोर्ट हो, टूरिज्म हो, सबको प्रमोट करने की बात इसमें आई है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है सरकार केवल बजट के माध्यम से देश प्रदेश की जनता को छलने का काम कर रही है, आंकड़ों का खेल है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी होती है, कुछ तो उन्हें कहना ही चाहिए, वही उनका धर्म है। क्या कहेंगे विपक्ष को, मैसेज अगर देना हो एक? विपक्ष का काम है सरकार के अच्छे कामों का भी विरोध करना, वो काम कर रहे हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के विधायक उमा शंकर सिंह। उमा शंकर जी, आज उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया है 2022-23 का, क्या कहना है आपका बजट पर? देखिए, फिर उसी तरह से जिस तरह से पिछला बजट था सेम वैसे ही बजट इस बार भी है। बजट आज आया है मई के लास्ट में, यानी मई ख़त्म, 15 जून के बाद बरसात हो जाएगी। अब बजट कब रिलीज होगा, कब बजट एग्जीक्यूट होगा, यानी 600 कुछ करोड़ कहने का बजट है लेकिन इस्तेमाल होगा 30%, यानी वह बजट आ जाएगा 200 करोड़ पे। तो इसलिए कि आप अंदाजा लगाइए ना कि भाई 15 जून के उस बाद ऐसे ही ऑफिशियली बरसात मान ली जाती है, तो 15 जून के बाद जब बरसात हो गई तो जून जुलाई अगस्त सितंबर बरसात चली गई, कितने महीने में क्या एग्जीक्यूट करेंगे? तो ये दिखने में बड़ा बजट दिख रहा है परंतु एग्जीक्यूट होने में बहुत कम रहेगा ये। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 25 करोड़ जनता का ध्यान में रख के बजट लाया गया है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ वाले उनके जो नारे हैं उस पर है और 25 करोड़ लोगों का ध्यान रखा गया इसमें। हम सब मिल करके 25 करोड़ जनता के लिए ही है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हम सब चाहते हैं कि जनता के हितों का ख्याल रखा जाए। मेरा यही मानना है कि हम इस पैसे को, आप पिछला बजट ही उठा के देख लीजिए कि हम कितना परसेंट खर्च किए हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन पैसे को हम कितना खर्च कर पाएंगे। मेरी शुभकामना है, क्योंकि मैं भी विपक्ष में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आलोचना ही केवल करूँगा, मैं तो चाहूँगा कि जनता के हितों का काम हो, जनता के हितों का। लेकिन हमारा समय तो निकल गया ना, उधर इलेक्शन में निकल गया, मार्च अप्रैल मई जो असली पीरियड होता है निकल गया, अब जून में बरसात शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब कि सरकार को थोड़ी और तेज़ी दिखानी पड़ेगी इन कामों को एग्जीक्यूट कराने के लिए, और हम और सरकार जनहित के काम को करें, हम उसके साथ हैं। ये थे उमा शंकर सिंह, जिनका कहना है कि भारी भरकम बजट तो है लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में समय लगेगा, जिसके पास सरकार के पास समय नहीं है। लेकिन अगर सरकार तुरंत इस पर एक्शन लेती है और कार्रवाई करती है, बजट को एग्जीक्यूट करती है, तो हम विपक्ष होने के नाते भी सरकार के साथ हैं। 25 करोड़ की जनता का हर हाल में कल्याण होना चाहिए, उनको स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी उनकी दूर होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर अगर सरकार काम करेगी और बजट का एग्जीक्यूट करेगी तो हम उसके साथ हैं। कैमरा पर्सन बलराम के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज़ लखनऊ।